वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने बनाया है लौकी का मुलायम कोफ्ता, तो इसे आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूल। यहाँ पे एक हम लौकी लिए हैं। अभी लौकी को हम ऐसे नाखून से दबा के देख लेंगे कि इसमें बी है कि नहीं है। तो यहाँ पे लौकी बिल्कुल सॉफ्ट दिख रहा है, इसमें बी नहीं है। अभी हम इसको छील लेंगे। इसके छिलके ऊपर से हटा दिए हैं। अभी इसको हम दो टुकड़ा कर लेंगे, अगर चाहे तो तीन टुकड़ा भी कर सकते हैं। तो अभी इसको हम साफ पानी से धो लिए हैं। अभी हम इसको इसमें क्रश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ये क्रश हो चुका है। अभी साफ हाथों से इसको हम पानी इसका हम निकाल लेंगे। इसको जोर से दबा दबा के इसका पानी निकाल के बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। तो देखिए इसका पानी निकल चुका है। अभी इसको हम दूसरे बर्तन में रख लेंगे। इसी तरह से सबका क्रश करके पानी निकाल, इसको हम पूरा पानी निकाल के ड्राई कर लिए हैं। अभी हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो इसमें 3 से 4 बड़ा चम्मच बेसन ऐड करेंगे और आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल और नमक अपने स्वाद अनुसार डाल लेंगे। और ये सबको अभी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए गाइस यहाँ पे मिक्स हो चुका है। अभी हम कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिए हैं। कढ़ाई हमारा गरम हो चुका है। हम अभी तेल डाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा तेल गरम हो चुका है। अभी हम इसको इस तरह से, जिस तरह से बड़ी बनाते हैं उस तरह से छोटा छोटा शेप में उसको तल लेंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमारा कोफ्ता पक चुका है। अभी हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकियों को भी कर लेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमने कोफ्ता फ्राई कर लिया। अभी हम यहाँ पे तेल गरम कर लिए। इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता, आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग पाउडर डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छी हो जाती है। और यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्च ली है। अभी यहाँ पे मैं 2 बारीक प्याज कटा हुआ ली हूँ, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा प्याज भुंजा गया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच गार्लिक और जिंजर पेस्ट। अभी इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा गार्लिक और जिंजर मिक्स हो चुका है। अभी हम इसमें ग्राइंड किया हुआ टमाटो डाल लेंगे। अभी इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे अच्छे से भुंजा चुका है, क्योंकि जब तेल बाहर आ जाता है तो अच्छे से फ्राई। अभी इसमें हम नमक ऐड करेंगे अपने स्वादानुसार। अभी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 काली मिर्च पाउडर। और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो इसमें आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा ये मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी इसमें हम 1/2 ग्लास पानी डाल लेंगे और इसको इस तरह से मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक उबाल लेंगे। इसमें अच्छा उबाल आ जाना चाहिए। तो गाइस देखिए यहाँ पे अच्छे से उबाल आ चुका है। अभी ये फ्राई किया हुआ कोफ्ता हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करके 1 से 2 मिनट तक इसमें अच्छे से इसको पकने देंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अच्छा से उबल गया है। अभी इसमें हम धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे।